वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। वैसे तो पूरी दुनिया ज्ञानी है, जहाँ पे भी जाओ आपको ज्ञान मिलता ही है, ज्ञान देते हैं सब लोग, लेता कोई नहीं। ज़्यादातर लोग अगर देखो आप तो मिडिल सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी में और लोअर मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं, लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हमारी पिक्चर से इसका कोई लेना देना है, हमारे यहाँ ज्ञान लेते भी हैं और ज्ञान देते भी हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान ले लेते हैं और कुल मिला के हमारी फिल्म बहुत ही मस्ती भरी है, आपको हंसाएगी रुलाएगी भी है और कुल मिला के एंटरटेनमेंट का एक अच्छा पैकेज है विद अच्छी सी एक प्यारी सी सीख। रियल लाइफ में कभी कोई मिले ऐसे बुद्धिजीवी कहेंगे मुझे मिले थे ज्ञानी? हाँ, जो हमारे को तो शूटिंग करते करते मिले थे अतुल भैया के तो। हाँ, हमको मिले ना, हम कानपुर में शूट कर रहे थे। अब कुछ कुछ शहरों का कुछ एक टेम्परामेंट होता है, मिजाज वैसा होता है बोलने का, कहीं ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, कहीं बड़े हम्बल होते हैं। तो मुझे लग रहा है उस शहर का ऐसा है, मिजाज अच्छे हैं दिल के, लेकिन मिजाज बोलने का तरीका एक ऐसा होता है। हम शूटिंग कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट शॉट दे रहे हैं और वहाँ बगल में सज्जन खड़े मुहर्रम बड़ा बड़ा, अरे हमने कहा प्लीज़ शॉट दे रहे हैं आपको, उधर जाइए उधर जाइए, अरे इनको उधर करो पीछे करो भाई, वो फिर चले आ रहे हैं हमें क्या है बोल रहा हूँ क्या करो, कैमरा वहाँ मत लगाइए, कैमरा यहाँ लगाइए और अच्छे से आप बढ़िया ले पाएगा, समझ रहे हो? सब दिखेगा आपको। सब बताओ, ज्ञान बांट के चले गए, हम फिल्म कर रहे हैं, हम फिल्म वाले हैं, वो ज्ञान बांट के चले गए, पता नहीं क्या बेचते हैं हमें नहीं पता, चले गए ज्ञान दे के। तो ज्ञान दिया उन्होंने फिल्म के दौरान दिया हमको, कुछ लोगों ने एक्टिंग सिखा दी इनको। अरे टूर में थे हम लोग, वहीं पर शूटिंग कर रहे थे तो कब वो आए, कब उन्होंने जेब से कैमरा निकाला, कब कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खींच के चले गए, हमारी समझ में ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो इतने बड़े ज्ञानी थे वो। बहुत है ज्ञानी होते हैं और हमें मिलते रहते हैं ज्ञानी, कुछ ज्ञानी अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम इनका कितना ज्ञान लें कितना ना लें, ये हमारे ऊपर है। तो इस फिल्म में भी वही है। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? ये हैं पुश्तैनी लोग हैं, ये हमारे जीजा जो पप्पू तिवारी हैं, ये पुश्तैनी लोग थे, इनके हुआ करते थे रजवाड़े एक टाइम पे। हम जीजा हैं, हम साले हैं इनके, तो इनके यहाँ पे रहते हैं, यही हमारा ध्यान रखते हैं, यही सब करते हैं, हम तो जो ये बोलते हैं वही करते हैं। पर इन्होंने अपने खानदान की पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी खा के। वैसे डबल एम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे कुछ। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना, काम आदमी दो तरह से करते हैं, एक एम्बिशियस आदमी होता है ना कि मुझे एम्बिशन है ये काम करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, तो वो उसको एम्बिशन नहीं है क्योंकि उसके पास दौलत भरी हुई है, तो ऐसे लोग कामचोर हो जाते हैं। तो उनमें से इस तरह के लोग हिंदुस्तान में हम यही दिखाना चाहते हैं, बड़ा कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, हर जगह पाया जाता है, वही एक कहानी का मेन मूल प्लॉट है और उसी की इर्द गिर्द कहानी है और बाकी तमाम सिचुएशंस हैं जो आती जाती रहती हैं। नोकझोंक भी है जीजा, बहुत जीजा साले की तो ऐसी नोकझोंक है कि फेमस हो जाएगी फिल्म देखने के बाद, देखना। अच्छा, प्रोमो दिखा कि गड़ा धन भी है कुछ, सभी कहानी गड़ा धन है ना, गड़े धन की कहानी, मतलब बहुत सारे प्लॉट्स में से एक सब प्लॉट वो भी है, मतलब गड़ा धन भी है। एक्चुअल में ये अलग अलग बिट्स में ये पिक्चर है, लेकिन जिसको एक ही कहानी में पिरोया गया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन है एक ही घर में हो रही हैं, उनमें से एक है गड़ा धन, तो गड़े धन का जो है वो है। अब जब आप पिक्चर देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि गड़ा धन की क्या कहानी है। गड़ा धन बहुत ही बृहत, बहुत ही बड़े रूप में है वो, आप देखोगे तभी उसका खुद ही आप वर्णन करें। वो सब टेक्स्ट भी है पिक्चर का, मतलब वो टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट भी है कि लोग कैसे कैसे सोचते हैं कि गड़ा धन किस किस तरीके का होता है, दरअसल से होना क्या चाहिए वो ये बताता है। कुछ हॉरर एलिमेंट भी है इसमें या कुछ थोड़ा बहुत? वो तो आपके ऊपर है, आप डर गए तो हॉरर। अरे जानना चाहेंगे कि फिल्म आपके पास कैसे आई है, आई थी तो कितना आपके लिए इंटरेस्टिंग था और
मुझे बुलाया गया था फोन करके, यही लोखंडवाला में ही ये अनंत रह रहे थे, तो इन्होंने बुलाया, कहानी सुनाई मुझे, मुझे पसंद आई कहानी, क्योंकि जिस तरह, और इनका भी पहला ही वेंचर था तो इन्होंने अपने आप से कहानी लिखी हुई थी, लेकिन मैं डरा हुआ ये था कि खुद ही डायरेक्ट भी कर रहे हैं, खुद ही राइटिंग भी है, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत ही ज़हनी तौर पे बहुत सेंसिबल थे अनंत। तो उसके बाद अतुल भाई को इन्होंने जीजा, मैंने पहला क्वेश्चन यही था कि जीजा के लोगों के लिए किसको सोच रहे हो, तो उन्होंने पहले बोला था कि हमने, मैंने कहा ये बेस्ट, इससे बेस्ट कास्टिंग हो ही नहीं सकती इसकी जीजा के रोल के लिए। हाँ ये तो नीरज ने बोला था वहाँ पे, और जब मैं गया तो जब कहानी सुनाई तो होता है ना कि जब आप बहुत, आपने ज़िंदगी इस तरह की देखी होती है, ऐसे लोगों के बीच में आप रहे हो, तो कुछ एकदम से मैं एक्साइटेड हो गया, कुछ कुछ बताने लगा, तो मुझे नहीं पता इसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है। वो तुरंत अंदर गया उठ के, प्रोड्यूसर से बोला मुझे जिनको कल तक लॉक कर रहे थे उनको हटाओ, मुझे यही चाहिए, क्योंकि ऐसा उसने कहा कि पहली चॉइस आप ही थे। जब बजरंगी भाईजान देख रहे थे तो मैं जो करेक्टरिस्टिक्स आपके देख रहा था ना, यही एक्टर चाहिए। कोई थे जो बीच में नहीं चाह रहे थे कि ये करें, वो किसी और को चाह रहे होंगे, बट जो डेस्टिनी होती है वो अपना काम कर ही जाती है, तो ये रोल इन्हीं की किस्मत में लिखा था और इन्हीं को मिला। नए डायरेक्टर थे, नए डायरेक्टर ने कहानी लिखी थी, तो कभी ऐसे जहन में आता है कि या फिर यू ऑलवेज कोऑपरेटिव, या फिर अपना जो सब्जेक्ट था या फिर अपनी कहानी का लेंथ था, नहीं बहुत योर आर द मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं। एक्चुअली वो अपनी चीजें रखते थे और कमाल से रखते थे, और उसी तरह से हम लोग भी जिस तरह से अपना किरदार जी रहे, हम भी स्ट्रांगली अपने पॉइंट रखते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कभी इस लेवल पे कोई बहस हुई हो कि अरे ये एक्टर जो है अपनी मनमानी कर रहा है या ये डायरेक्टर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा है। हमको लगता था कि ये सीन ना सिचुएशनली, मैं एक्चुअल में किरदार क्या होता है, एक्टर कैरेक्टर तो एक चोर होता है कि वो अपने हिसाब से चोरी करता है, कई बार सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस सिचुएशन को रखना वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है, तो डायरेक्टर वहाँ पे आके कह रहा है कि दादा ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे तो चीज़ पोर्ट्रे होती है। जैसे एक बार अतुल भाई के साथ हुआ था, तो अतुल भाई और उनके बीच में, दोनों के बीच में बहस भी हो गई थी, कुछ गाली का कुछ एक था, और ये नहीं चाह रहे थे कि इस कैरेक्टर में ये आदमी गाली थे, तो उस किरदार को लेके, क्योंकि वो कानपुर से थे उनको लगा कि वैसा है, लेकिन भाई ने उनको सेंसिबल तरीके से समझाया कि बिना गाली के भी ये बात कही जा सकती है, और वो बाद में रखा गया। मैंने अभी बीच में किसी और से भी यही कहा था कि उसने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि वो राइटर भी है डायरेक्टर भी है, तो उससे उसके अंदर का जो राइटर था वो डायरेक्टर पे हावी हो गया था। जब उसने सिर्फ रात भर डायरेक्टर बन के सोचा तो मेरी बात से कन्विंस हो गया कि नहीं अतुल सर सही कह रहे हैं, ये हम हटा देंगे कि हमारी फिल्म को ये ख़राब कर रहा है, बिल्कुल उसको ऊपर लेके नहीं जा रहा। अगले दिन वो सीन फिर से इन लोगों ने रीशूट किया, उस चीज़ को बिना गाली गलौज के किया, और उसमें जो दूसरे इमोशंस के स्ट्रोक्स आने थे वो आए, जिसकी वजह से ऑडियंसोग्राफी हो जाएगा, तो फायदेमंद हुआ वो। सर कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, यू नो कि हर बार एक अपने वे में एक जैसे जीजा और हालांकि कहानी है, मतलब आप लोग जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो अपनी तरफ से भी कितना यू नो एक इनपुट होता है कि ये जो लुक या फिर डायरेक्टर के साथ एक सजेशन होता है या व्हाट आई एम गुड इनटू, लाइक यू नो, तो उस पर कुछ क्या कुछ वर्कशॉप हुआ या कोई कुछ डिस्कशन हुए? वर्कशॉप तो नहीं हुआ, स्क्रिप्ट रीडिंग होते थे, उसी में हम लोग अपना अपना किरदार, मतलब जो मैं क्या होता है किरदार हम ना कहीं सोसाइटी से ही उठाते हैं, जो भी बात हम करते हैं, अगर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो इस समय रियलिज्म यही है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन करते करते मेरे को जब मेरा कैरेक्टर समझ में आने लगता है, अरे मैंने फलाना कैरेक्टर फलानी जगह से उठाया है, उसका पूरा इनपुट नहीं उठाया लेकिन उसके ना जिस्ट उठाते हैं, नुआंसेस उठाते हैं, मेरे को लगता है कि ये जीवन में ना बड़ा कमाल का किरदार है, इसको मेरे को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करना चाहिए, तो आप उसके नज़दीक जाके उसके साथ बातें करते हो, बात को समझने की कोशिश करते हो कि ये किस तरह से बोलता है, जैसे कई लोग बोलते हैं स्टबन करता है, तो हकलाना तो कई तरीके से हकला सकता है आदमी, लेकिन कई बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो एक ही तरीके से हकलाते हैं, तो उसका भी एक तरीका अलग होता है, अगर कोई अंधा है तो अंधे के भी बहुत सारे नॉन्सेंस है, कोई कैसे करता है, तो आप उसके कितने नज़दीक पहुँचे हैं और ऑडियंस आपको कितना प्यार दे रही है उससे पता चलता है कि आपने अपना किरदार कैसा किया। तो कैरेक्टर का नाम क्या है कुछ, यू नो थोड़ा सा? मेरे कैरेक्टर का नाम है लड्डू, मतलब लड्डू इसलिए है क्योंकि ये गोल मटोल, और उस समय में बहुत ज़्यादा गोल मटोल भी था, और ये है हमारे जीजा पप्पू तिवारी, पप्पू तिवारी, और बहुत ही
दिल फेंक आदमी, क्योंकि दौलतमंद रहे तो खर्च करने की उनकी आदत है, तो वैसा उनका स्वभाव बिना सोचे समझे खर्च करते और हैं। क्या होता है जब एक कभी बचपन से उसने पावर देखी है, अपने पुश्तैनी पावर देखी है, तो वो गर्दन ऊंची रहती है, दबंगई, चाहे एक आदमी भी ना पूछता हो, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर भी वो कहते देख रहा मुझे सलाम ठोक रहा है, खाने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन वो दबंगई अभी भी नहीं गई है। तो ये अगर उधार भी मांग रहे हैं तो उसी उसमें मांग रहे हैं, आ रहा छोड़िए हम देंगे आप, देव नहीं देव बोलो देव नहीं दोगे सही से बताना, मतलब रात में जाकर आज यही खिलाओगी क्या, सब्जी डाल देती यार, है ना, तो उस टाइप का है। लेकिन तो वो अपने पूरे उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी उसके चली आ रही करेक्टर की, तो उसको हमने पिरोने की कोशिश करी, उस तरह से ये हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक अलग तरह की दोस्ती दिखेगी, ये जैसा रिलेशन है जो आपको उस यूपी के उस जगह पे और उस वर्ग में जो आपको इज्जत दिखती है उसके अलावा एक बॉन्डिंग दिखेगी। और उस बॉन्डिंग की वजह से हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं फिल्म में, ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे सीधे हैमर करके कोई सीख दें कि देखो बच्चों इसका अर्थ ये होता है, कभी कभी आप कनखियों से, इसे मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि ये संस्कार, तो संस्कार मेरे हिसाब से बोल के नहीं दिया जाता है, बच्चा खुद कनखियों से लेता है, जो छुप के देखे वो संस्कार है, तो इसमें आप जो अपने आप दिल पे उतर जाए वही संस्कार है और वही फिल्म को का रिएक्शन है। तो प्लीज़ आप लोग फिल्म देखिए, और हमने कोशिश की है कि अपने किरदारों को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करें, ताकि आपको ये ना लगे कि कन्फ्यूज ना होंगे इन्होंने यार ये ठीक से किया या नहीं, बल्कि बताएंगे आप ही लोग, क्योंकि हमने तो उन किरदारों को कर दिया, जी दिया, अब आप लोग देख के बताएंगे कि हम लोगों ने क्या किया। इसका एक जो भाषा थोड़ी सी जो बोलते हैं डिक्शन, इसका डिक्शन वहाँ का है ज़रूर, कानपुर का है ज़रूर, लेकिन पूरे देश की, लेकिन इसकी आत्मा पूरे देश की है, ये हम कहना चाहेंगे। इन दिनों कंटेंट को लेकर मतलब लोग अभी जो ऑडियंस है वो यू नो चाहे छोटी बड़ी अभी नहीं रहे, अभी की कहानी अच्छी होनी चाहिए उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, डेफिनेटली एक रियलिस्टिक टाइप की फिल्म है, और इन दिनों कंटेंट टाइप की, तो आप कितना मानते हैं कि फिल्म यू नो उस तरह की शैली में ये हमारी फिल्म बैठती है? कंटेंट आया तभी तो हम जैसे लोग आने शुरू हुए, हम जैसे लोग दिखने शुरू हुए, हम जैसे लोगों के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया, हम लोगों को अप्रिसिएशन मिलने लगा, नहीं तो जो जब हमारा बचपन रहा जो पिक्चरें हम देख के आए उस पिक्चर में एक हीरो होता था, एक हीरोइन, एक विलेन और एक कॉमेडियन, इन्हीं के चारों तरफ एक पिक्चर गढ़ी होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई एक सीन करने भी कोई आदमी आया है तो वो जो सीन करके गया है वो सीन उस कैरेक्टर के हिसाब से जाना जाता था कि एक सीन करके वो आदमी, जैसे मैंने एक पिक्चर करी थी रॉकेट सिंह, मेरे जीवन में मेरा आधार वहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ, उसकी वजह से मेरे को बैंड बाजा बारात मिली थी, मेरे पिक्चर में दो ही सीन थे लेकिन मेरे को लगता था कि उन सीन्स की वजह से मेरे को बैंड बाजा बारात, कंप्यूटर जी बहुत बढ़िया जी, तो वही वो किरदार जो होता है अगर वो क्लिक कर जाए और आपको पता चला कि जबकि रणवीर कपूर सारी पिक्चर में था, ये किरदार सिर्फ दो सीन के लिए आया है और उस दो सीन में पूरी कहानी कह गया, तो वो किरदार रणवीर कपूर का किरदार उस किरदार के थ्रू किरदार बन गया, तो ये भी जी गया वो भी जी गया, उससे मुझे फायदा हो गया। आप क्या कहोगे इन दिनों लाइक कंटेंट को लेकर? नहीं कंटेंट वही तो वही बात है कि उसकी वजह से हम हैं, और क्या था फेजेस हमेशा मिले जुले रहे हैं, अब हिस्ट्री में सिनेमा की उस समय भी कुछ ऐसे लोग रहे लगातार, ये पीछे बातें थोड़ा कम कर दो यार, तो उस समय भी फिल्में बनती थी जो आपसे जुड़ी इस परिवार से जुड़ी, है ना, हर समाज से जुड़ी हुई रियलिज्म को लेते हुए, तो बीच में एक फेज आया कि जब सुपर सब चीज़ होने लगी कि सुपर से ऊपर वाले हीरो, है ना, उससे ऊपर वाले विलेन, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट किया लेकिन उससे सिर्फ मनोरंजन किया। अब जो फिल्में आ रही हैं उससे लोग मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं उनसे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मेरे घर की कहानी है, क्योंकि अब वो ये लग रहा है कि अरे ये तो होता ही नहीं था, ये तो ये कैसे हो गया, तभी होता था रिएक्शन, अब ये अरे यही तो होता है, थोड़े से बदल गए, तो ऑडियंस यही तो होता है, इतनी जिंदगियां हैं हमारे देश में हमारे धरती पे कि वो कम पड़ जाएंगी, तो वो लोग लेके आ रहे हैं और यही तो होता है, ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है कि वो हर वर्ग से जुड़ रहा है। आप मानते हैं कि थिएटर
के जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे आप हो, जैसे आपने रॉकेट सिंह के बारे में बताया, बैंड बाजा बराल, बजरंगी भाई, तो आपका एक प्रेजेंस चाहे वो एक या दो सीन हो, मगर यू नो इट इज ऑलवेज कैसे लगता है यार एक दमदार एक्टर था, तो वो आप मानते हो उस चीज को? बेसिकली हम लोगों को लगता है कि हम लोग जहाँ से आए हैं, हमारा हमारा स्कूलिंग वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जगहों से हम लोग आए हैं। जैसे मैं हिमाचल के छोटे से कस्बे मंडी से आया हूँ, भैया भी लखनऊ में कहीं एक उसमें होंगे, तो उसके बाद थिएटर करते करते ऐसी चीज़ें हम सीखने लगे जो रियलिज्म के बहुत नज़दीक थी, जो आम जिंदगी में हम लोगों ने कभी देखी है उसी को हमने जिया। हम कभी लाउड हो ही नहीं पाया, और लाउड एक्टिंग मतलब मेरे बस की तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि लाउड एक्टिंग बुरी होती है, बट लाउड एक्टिंग करना भी एक विधा है, वो हमारे बस की नहीं है। हम रियलिज्म के साथ जुड़े हैं, उसी रियलिज्म में हम अपने आप को कैसे रख पाते हैं वो एक बड़ी बात है जो हमको थिएटर देता है। थिएटर का तो योगदान है, हमने भी शुरू में बहुत थिएटर किया, थिएटर से हमने भी ट्रेनिंग ली है, तो थिएटर का बहुत योगदान है। थिएटर ने प्रैक्टिस दी है, थिएटर ने सोच दी है, और मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इमेजिनेशन कहाँ से आता है, सोचने से सिर्फ नहीं आता है, पढ़ने से। तो हमने पढ़ा भी बहुत है, और जितना लिटरेचर जितना आप पढ़ते जाओगे ना, आप पहले पढ़ो फिर वही फिल्म देखो, और पहले फिल्म देखो फिर पढ़ो, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप पहले पढ़ के वो हैरी पॉटर देखोगे तो आप इतना विजुलाइज कर लोगे कि हो सकता है आपको फिल्म में एक सीन ऐसा लगे, अरे जो मैंने विजुलाइज किया था उसके इस सीन से अच्छा किया था। पहले फिल्म देखोगे तो फिल्म इतनी अच्छी बनाई हुई है कि आप उसी में जियोगे, हर सीन वही देखोगे। दुर्योधन सिर्फ पूरी दिशा को ही देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो दुर्योधन उससे अच्छे हो सकते हैं, आप पढ़ो तो आपको अच्छा दुर्योधन नज़र आ सकता है, लेकिन नहीं आता है क्योंकि हमने पहले वो देख लिया। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा इस पर कि आप जो अभी कैरेक्टराइजेशन की और इस चीज़ की थिएटर की और इसकी बात कर रहे हो, हम जैसे किरदारों को पूरी स्क्रिप्ट कभी मिली नहीं शुरू में, हम लोगों को सिर्फ हमारा सीन मिलता था, और उस सीन में जो जिस्ट होता था हम उसके हिसाब से काम करते थे कि इस सीन में इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसे मैंने रॉकेट सिंह के बारे में, उस सीन में इम्पॉर्टेंट क्या था, वो चिप या उससे बात करना, तो वही दो चीज़ें हमने अपने कॉन्सेंट्रेशन में रखी थी, उसी से वो सीन बन गया। आप लोगों को पसंद आया, आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है, मैंने जो टाइटल सॉन्ग खास करके हमने सुना है, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कि फिल्म में जो म्यूजिक है वो किस तरह से कहानी से जुड़ा हुआ है, कहानी किस तरह से आगे गई है, फिर बैकग्राउंड स्कोर है, थोड़ा बहुत उस बारे में। म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका, और ये इसका जो एक ही गाना बहुत अच्छा है, हालांकि दो गाने हैं इसमें, लेकिन एक जो टाइटल सॉन्ग है ये तो बना के किया, मतलब इसको रखा गया, एक्चुअल में ये पहले था नहीं गाना। ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी, तो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए इस गाने को रखा गया, कि उस शहर का मिजाज ही वैसा है कि आप उस गाने से जुड़ते हो। जैसा आपने सुना वो गाना, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि आप ना आप उस कहानी से जुड़ने लग जाते हो, आपको लगने लगता है कि अरे इसी के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए गाना ध्यान से सुने तो पूरी जिस्ट पूरी कहानी बता देता है, करेक्टरिस्टिक्स लोगों की, एक आम लोगों की वहाँ के उस शहर की बता देता है, कि कहानी शहर से ही हमने ली है, तो और बड़ी मज़ेदार तरीके से बताता है, तो गाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी धुन है, और मुझे लगता है गाना अगर थोड़ा ज़्यादा सुनेंगे तो क्लिक होता चला जाएगा। बस यही है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, ये फिल्म 31 को रिलीज हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप आओ देखो, और अगर आपने हमें छोटे से बड़े से रोल में हमेशा एंजॉय किया है, और कहीं रोल आया है हमने आपको, आपने हम पे भरोसा किया है, नीरज पे किया है, तो हमारा ये भी विश्वास कर लो और ये फिल्म देखो। उससे अच्छी है उससे ख़राब है ऐसी बात ही नहीं कर रहा, ये फिल्म आप जितनी देर बैठोगे हमारे होके रहोगे, ये हमारा दावा है। क्यों, मेरा ये मानना है कि हमने अपनी तरफ से जितना भी मेहनत कर सकते थे हमने ईमानदारी के साथ काम किया है, जिस भी तरीके से पिक्चर बनी है, लेकिन हम ये विश्वास दिला सकते हैं आप लोगों को ये पिक्चर बहुत अच्छी हम लोगों ने बनाई है। आपने एक एक दो दो सीन के रोल में हमको देखा है, अभी पूरी पिक्चर में देखोगे तो आप हमारे किरदारों का पोटेंशियल किस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो भी समझ पाओगे, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, जो भी किरदार आगे जा रहे हैं वो वर्बली जा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को अच्छे लगते हैं,
और हम गारंटी देते हैं कि आपको ये पिक्चर बुरी नहीं लगेगी. थैंक यू थैंक यू.